हेलो फ्रेंड्स, शुभ स्वागतम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैजिल 400 टेबलेट के बारे में, 4 mg टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट के अंदर खासतौर पर रहता है मेट्रोनिडाजोल। कितने स्ट्रेंथ फॉर्म में रहता है तो वह 400 mg में इसके अंदर अवेलेबल रहता है। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो ये मेट्रोनिडाजोल जो टेबलेट है फ्लैजिल, यह एंटी प्रोटोजोल ग्रुप की मेडिसिन है, जो कि इसके बारे में जूस जानेंगे हम, क्या यूज़ है, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्रिकॉशन है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। बात कर लेते हैं ये किस किस मतलब किस किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है, आपको मिल सकता है। तो ये टेबलेट और क्रीम फॉर्म में उपलब्ध रहता है। उसके बाद आपको विजाइनल टेबलेट और विजाइनल क्रीम इस फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। स्ट्रेंथ फॉर्म की बात कर लेते हैं, कितने mg में मिलीग्राम में ये अवेलेबल रहता है। तो आपको ये 200 mg, 400 mg, उसके बाद 250 और 450 mg में भी अवेलेबल रहता है। 250 और 400 जो है किसी ड्रग के साथ इसका कंपोजिशन जब आता है, साथ में ये मिलके आते हैं, तब आप 250 450 आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ फॉर्म इसकी। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कई पेशेंट को इसको दिया जाता है। तो ठीक है, बात करते हैं हम इसके यूज़ के बारे में। तो इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है महिलाओं में, महिलाओं से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें इसका यूज़ ज़्यादातर देखा गया है। तो महिलाओं में कैसे यूज़ किया जाता है, जब किसी महिला को विजाइना में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे महिला को दाने आ जाते हैं या जलन होती है, उस कंडीशन में डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। वाइट डिस्चार्ज में इसका यूज़ देखा गया है, अक्सर डॉक्टर इसका यूज़ वाइट डिस्चार्ज में करते हैं, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम में करते हैं, ल्यूकोरिया हो जाता है, और पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज़ में करते हैं, जैसे किसी महिलाओं को यूटेरस या फिर जनन अंगों में कोई भी समस्या आती है, बच्चेदानी में समस्या आ जाती है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर इस टेबलेट का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। उसके बाद इस टेबलेट का यूज़ निमोनिया में भी किया जाता है, लंग्स से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं, फेफड़ों से संबंधित, वहाँ पर इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपने ज़्यादातर देखा होगा दस्त में, दस्त में इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। आपने देखा होगा डॉक्टर इसे दस्त में प्रेस्क्राइब करते हैं नेट्रोजिल, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और ख़ासतौर पर इसके एक यूज़ यहाँ किया जाता है ओरल इन्फेक्शन में, जैसे आपको माउथ अल्सर हो गए हों या फिर पेप्टिक अल्सर हो गए हों, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये ऐसी एंटीबायोटिक दवाई है जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कई जगह पर इसका यूज़ किया जाता है, कई बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। और यदि आपको किसी प्रकार की आपने सर्जरी करवाई हो या आपको सर्जरी के बाद घाव सुखाने के लिए भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, मेट्रोनिडाजोल का फ्लैजिल टेबलेट का यूज़ किया जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया दवाई है जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आपको हेडेक हो सकता है, हेडेक आपको हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है आपको, या आपका जी घबराना हो सकता है, या आपको चक्कर आ सकते हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं हम, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डिसऑर्डर, माइंड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उसको आपको नहीं देना है। वो किसी व्यक्ति को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उस व्यक्ति को भी आपको नहीं देना है। एपिलेप्सी वाले व्यक्ति को भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही देना है, जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आपको देना है। बात कर लेते हैं, ये कई ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहता है, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। अगर आप मेट्रोनिडाजोल लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी ब्रांड नाम से दें तो काफ़ी अच्छा ब्रांड नाम भी आता है इसका, फ्लैजिल 400। अब इसके बात कर लेते हैं एल्कोहल के साथ लेना है या नहीं लेना है। तो आपको इसे एल्कोहल के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना है, जब तक आप इस टेबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको एल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। अब इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज होती है। वैसे तो डोज की जो है वेट, हाइट और वजन के हिसाब से जो है इसकी डोज रहती है, पर हम एक जो सामान्य डोज है इसकी वो डोज आपको बता देते हैं। एडल्ट डोज जो दस्त में इसकी खासतौर पर जो डोज है वह 3 बार दे सकते हैं आप बीडी,
सुबह और शाम भी दे सकते हैं और TDS भी दे सकते हैं, दिन में 3 बार भी आप इसे दे सकते हैं। और आप इसे ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ तो नहीं कर सकते, आप 2 हफ्ते तक इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।